जो इन्होंने जो है तो अपना विधानसभा से जो फॉर्म भरा था, और आज भी वही जो देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरह 2009 के अंदर जो जोश था, अभी हम जो जिसने जो पर्ची भरी है खदीर मौलाना उनसे जानना चाहेंगे सर, अभी जो है तो आपके पीछे 2009 के अंदर ऐसी जोश था और आज भी आपके पीछे उससे ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है, तो आपकी क्या इसमें लोगों के बारे में आपका ख्याल है? नहीं, असल में लोगों का जोश जो है तो जायज़ है, उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम खासदार और मुस्लिम आमदार दिया है, उसके बाद भी लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। लोग बहुत बहुत सारा लीडरों से बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं मांगते हैं। यहाँ सबसे बड़ी ये बस्ती की समस्या है, वो है पानी की समस्या, और आमदार खासदार 25 साल से यहाँ पे लोग सत्ता कर रहे हैं, ये 25 साल से ये बस्ती है, यहाँ सुविधा के नाम पे एक पैसे की कोई सुविधा नहीं है। अभी हम चल रहे देख रहे, पूरे गड़े हैं, पानी है, ताफुन है, कचरा है, लाचारी है, घरों के अंदर बहुत सारे लोगों के लैट नहीं है, जो तरीके का इस बस्ती में माहौल है, सबसे ज़्यादा हमको शर्म अगर आती है तो इस बस्ती में आने के बाद आती है। जिन लोगों को हमने चुन के दिया था यहाँ पे खासदार बने, आमदार बने, सुविधा के नाम पे एक पैसे का काम नहीं किया, वही काम बीजेपी और शिवसेना ने भी यहाँ पे की, एक पैसे का इन्होंने काम किया नहीं। ये तो बस्ती है, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, इसके बारे में तो बोलना ही लफ्ज ही मेरे पास नहीं कि यहाँ क्या बोलना चाहिए। और अगर से कभी यहाँ की जनता आपको अगर से कभी चुन के देती है तो आप यहाँ की जनता के जो है तो पूरे मसले मसाइल जो आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, ये रोडों की ऐसी हालत है, यहाँ लोगों को पानी नहीं, 8-8 दिन पानी नहीं आ रहा है, तो आप इसके चुन के आने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने सैदा कॉलोनी का दौरा किया, जहांगीर कॉलोनी का दौरा किया और हरसुल का दौरा किया, वो सब बस्तियों में सबसे ज़्यादा खस्ता हाल ये मिसरवाड़ी का है। जहांगीर कॉलोनी का भी वही हाल है, हरसुल में भी रास्तों और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और बेरीबाग में मैंने देखा, क्या ये लोग औरंगाबाद शहर के नहीं हैं? 25 साल में जो खासदारों ने और एमएलए ने और मिनिस्टर औरंगाबाद में है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं? इनको मूल सुविधा व्यवस्था इनको करना चाहिए, देना चाहिए। ये बेमानी है हमारी कौम और हमारे समाज के साथ में, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसीलिए आज जोश तुम बोल रहे हैं ना, ये जोश इस बात का ही प्रतीक है कि 25 साल में सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया, इसलिए उन्होंने मुझे चुनने के लिए जोश बढ़ाने का काम किया कि भाई आप हमको खदीर मौलाना को लाना है, इसलिए कि हालात जब तक बदलेंगे नहीं, और इंशाल्लाह मैं इस इलेक्शन में इंतखाब होकर चुन कर जाऊँगा तो मैं सबसे पहले स्लम एरियो के काम पहले शुरू करूँगा, उसके बाद शहरों का काम करूँगा।